अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स को। भाजपा सरकार में भाजपा जनपद प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव को भाजपा किसान मोर्चा का होना पड़ा खूब भाजन। केलगवा तिराहे पर भारी पुलिस बल के बीच लगे मंत्री के विरोध के नारे। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता भागीरथ और प्रशासन के विरोध में भी लगे नारे। प्रभारी मंत्री से नहीं मिलने देने पर आक्रोशित थे भाजपा किसान मोर्चा के किसान। बड़े लंबे समय से आंदोलन थे किसान, नहीं मिल रहा भवानी बांध के डूब क्षेत्र का मुआवजा। एक दिवसीय दौरे पर है प्रभारी गिरीश चंद्र यादव। ललितपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। क्या हो रहा है? हम लोगों को भवानी बांध डूब क्षेत्र के प्रभावित किसान है और आज प्रभारी मंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं जो सिंचाई मंत्री। तो ज्ञापन का हम लोगों का प्रोग्राम था, पहले तय हुआ कि हम लोग यहाँ रास्ते में देंगे। प्रशासन ने कहा कि आप लोगों का ज्ञापन NMB में दिला दिया जाएगा। अब SDM जो न्यायिक हैं अतिरिक्त, वो अब स्पष्ट मना कर रहे हैं। मंत्री जी रास्ते में हैं और वो कह रहे हैं कि ना वहाँ NMB में ज्ञापन आपका दिलाया जाएगा और ना रास्ते में दिलाया जाएगा। क्यों, क्या मैंने उनको क्या परेशानी है दिलाने में? उनको पता नहीं क्या परेशानी इनकी और XCN सिंचाई निर्माण खंड प्रथम की कोई अंदर जाके वार्ता हुई अकेले में जाके, उसके बाद उनके स्वर बदल गए और वो अब हम लोगों को वहाँ ज्ञापन देने से रोक रहे हैं। और क्या कारण है अब वो ही बता सकते हैं कि क्या कारण है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देना चाह रहे हैं, ना कोई विरोध कर रहे हैं ना कोई बवाल कर रहे हैं, और हमारा ज्ञापन नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है, ये न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। नहीं तो अब क्या करेंगे आप आगे क्या करेंगे? अब आगे क्या करेंगे हम लोग? अब हम न्यायालय की शरण लेंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग? वे कह रहे हैं मुकदमा लिखा देंगे अगर ज्ञापन देने जबरदस्ती किया तुमने तो। ऐसा है, अगर ज्ञापन देने में मुकदमा लिखा जाता है तो हम सब तैयार हैं, क्योंकि ये भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है। ज्ञापन की मजबूरी, ये कह रहे SDM साहब के हमें दे दो। अरे इनको 6 महीने से ज्ञापन दे रहे हैं, आज तक क्या रिजल्ट मिला? माननीय मंत्री जी से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? और जब हम जिस विभाग के खिलाफ आपके मतलब ज्ञापन दे रहे हैं और SDM साहब XCN साहब को अपनी गाड़ी में बिठा के घुमा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका, क्या समझे? आपका सीधा सीधा आरोप क्या है? हमारा सीधा सीधा आरोप है कि ये लोग सब मिले जुले हैं, क्योंकि 6 महीने से हम घूम रहे हैं, एक चौपाल तक आयोजित नहीं की जा रही है जरावली में। मैंने DM साहब के पास रिक्वेस्ट दी कि आपको अगर लग रहा कि हम लोग गलत मांग कर रहे हैं तो एक बार जाके गांव में देखें, तो ना गांव जा रहे ना कोई काम हो रहा ना ज्ञापन दे रहे। अब आप लोग इतने समझदार हैं कि आगे हम क्या कहें।